एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो so गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फॉर्मल आउटफिट्स जो आप ऑफिस में कैरी कर सकते हैं वेस्टर्न वेयर के अंदर कुर्ता सेट्स तो मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ लेकिन मेरे पास ये रिक्वेस्ट हमेशा आती रहती है कि जो वेस्टर्न फॉर्मल वेयर है वो भी सजेस्ट कीजिए तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ऐसी लुक शेयर करती हूँ जो मैं खुद पर्सनली अपने ऑफिस में जब जाया करती थी तब कैरी करती थी मैंने आपके लिए टेन लुक्स क्रिएट की हैं मैं आपको पहले बता देती हूँ ये सुपर फॉर्मल लुक्स नहीं है मतलब मेरे को जो वो ट्राउजर एंड बिल्कुल प्रॉपर जो फॉर्मल शर्ट्स होती है उस तरह की लुक्स मैं बिल्कुल भी कैरी नहीं करती थी मुझे मतलब पर्सनली वो मेरा स्टाइल नहीं है सो so, आपको जो लुक्स मिलेंगी वो थोड़ी सी स्टाइलिश वे में फॉर्मल लुक्स मिलेंगी बट ऐसी हैं जो आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं और ये जितनी भी चीजें मैंने इसके अंदर स्टाइल किए ना इन सब के जितने हो सकेंगे मैं लिंक आपको देने की कोशिश करूँगी कुछ तो ऐसे पीसेज हैं जो मेरे खुद के बहुत टाइम पहले के बहुत सालों पहले के हैं सो उनका मैं ट्राई करूंगी सिमिलर ऑप्शन सर्च करने का सो गाइज़ यस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना एंड या वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर सच मोर वीडियोज़ एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दहिया अनु नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड सो फर्स्ट लुक हम देखते हैं फर्स्ट लुक के अंदर मैंने लिया है ये ट्राउजर एक्चुअली ट्राउज़र नहीं है आपको ट्राउजर वाली लुक देगा बट ये है डेनिम सो आप देख सकते हैं इसका कलर क्या है बेज कलर है बिल्कुल परफेक्ट है ऑफिस वेयर के लिए एंड मैं हमेशा इसी तरह की पहनती थी ये मैंने एच एन एम से लिया है फर्स्ट लुक जो मैंने क्रिएट की है वो इस तरह की बेज कलर के बॉटम के साथ करी है एंड येस yes, आप देख सकते हैं क्योंकि नीचे मैंने लाइट कलर लिया तो ऊपर अब हम थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे ताकि वो थोड़ा सा यू you नो know, बैलेंस लुक लगे अदरवाइज थोड़ा सा न्यूट्रल न्यूट्रल ज़्यादा हो जाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा सो so, मैंने उसके लिए ये पिक किया है ब्लू कलर का मेरा एक मतलब खुद से मैं इसे ऑफिस में डाला करती थी मैंने बहुत पहले लिया था फ्रॉम शॉपर स्टॉप अच्छा इसका जो ब्रांड है मैं बता देती हूँ ये है लाइफ मेट्रोपोलिटन मॉल अगर गुड़गांव में आप रहते हैं सो so, वहां पर शॉपर स्टॉप आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएगा और उसके अंदर लाइफ ब्रांड है स्मॉल साइज का मैंने लिया था नाउ प्रेजेंटेबल लगने के लिए आपको मिनिमल मेकअप की भी जरूरत होती है चाहे आप ऑफिस जा रहे हैं उसके लिए भी जैसे कि लिपस्टिक हो गया या थोड़ा आई मेकअप हो गया सो so उसके लिए भी मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ सजेशन है सो फर्स्ट मेकअप आइटम है लिपस्टिक लिपस्टिकस yes, जो लोग मेकअप नहीं करते लिपस्टिक तो वो भी लगाते हैं लिपस्टिक्स में ना मुझे पिंक कलर बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड न्यूड कलर काफी ज्यादा पसंद है न्यूड तो आप देखते हैं मेरे पास काफी सारे हैं एक अच्छा पिंक फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है आप देख सकते हैं मैंने आज बहुत ही सुंदर सा एक पिंक कलर लगाया हुआ है ये है ग्लैम की लिट सेटन मैट लिपस्टिक इन द शेड किसिंग बूथ काफी बढ़िया इसका कलर है शेड बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंड इसका फॉर्मूला भी बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है कंफर्टेबल है इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं बिल्कुल भी लिप्स पे आपको हैवी या स्टिकी फील नहीं होगा एंड पिगमेंटेशन की बात करूं तो आपको वन स्वाइप में इंटेंस पिगमेंटेशन मिलती है एंड इसका फॉर्मूला भी काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है सो तो एवरी यूज के लिए मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगी इसके अंदर आपको आई थिंक एट टू टेन शेड्स मिल जाएंगे जो भी आपको पसंद हो आप पिक कर सकते हैं सो पिंक कलर न्यूड कलर एंड ब्राउन कलर

के अंदर टू इन वन वॉन्ड है आप देखेंगे ना यहां पे इस तरह से ये आप इसे ट्विस्ट करेंगे सो ये कर्ल हो जाएगा एंड देन आप इसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा तो इसके अंदर आपको दो बेनिफिट मिलेंगे एक तो आपकी आई में वॉल्यूम ऐड होगा और साथ में कल भी क्रिएट होगा कलर बहुत ही बढ़िया इंटेंस ब्लैक कलर आपको मिलेगा वाटर रेजिस्टेंट है एंड स्मच प्रूफ है नाओ यहाँ पर मैं आप लोगों का एक काफ़ी बड़ा कंसर्न भी एड्रेस करूंगी जो है कि मस्कारा को आसानी से यू नो रिमूव नहीं कर पाते हैं सो so, उसके लिए आप माइक्रो फाइबर टावल्स यूज कर सकते हैं उसको सिर्फ वेट करना है एंड देन आप रब कीजिए आइज के ऊपर हल्का हल्का सो so, आसानी से रिमूव हो जाएगा आपको कोई मेकअप रिमूवर की जरूरत नहीं है ये ऑलरेडी पूरी टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर की हुई है ना जो तीसरा मस्ट मेकअप प्रोडक्ट है वो है ब्लश या हिंट ऑफ कलर ऑब्वियसली हमेशा ही अच्छा लगता है सो so, मेरे पास आपके लिए सजेशन है माई ग्लैम का के प्ले फ्लेवर्ड ब्लश ये है रस बेरी वेरियंट में एंड ये yes, बहुत ही बढ़िया ब्लश है इस ब्लश की ना खासियत क्या है कि बिल्कुल मैट है बिल्कुल इसके अंदर ग्लिटर नहीं है तो एवरी डे में भी आप इसे यूज कर सकते हैं पिगमेंटेशन इतनी बढ़िया है मतलब काफी इंटेंस पिगमेंटेशन मिलेगी तो बिल्कुल हल्का सा आपने लेना है और अपने चीक्स पे और हल्का सा नोज पे लगा लीजिए एवरी डे के लिए बिल्कुल फ्रेश लुक आपको मिलेगी फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो काफी ज्यादा लाइट वेट है काफी स्मूथ है और इजिली आपके यू नो स्किन के अंदर ब्लैंड हो जाएगा और ब्लरिंग इफेक्ट भी देता है अगर थोड़े से

ऑफ भी पा सकते हैं उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है ग्लैम यू कैन सी कितने ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएं। क्योंकि ऑफ तो मतलब रेयरली ही कोई शॉपिंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे इन सभी के परचेजिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो चेकआउट करना मत भूलिएगा नाउ अब हम ज्वेलरी की बात करें तो मैं ऑफिस में ना बिल्कुल सिंपल ज्वेलरी डालना पसंद करती तो मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ सजेशन है जो मैं खुद भी यू you नो know, यूज करती थी तो जरकोनियम की जो ज्वेलरी है वो मैं लेती थी या पर्ल की जो जूलरी रही है इवन जो मैंने पहने हुए हैं सिंपल से स्टड इसी तरह की टॉप्स वगैरह मैं पहनती थी नाउ इसके अंदर फिर मैंने फुटवेयर भी इंक्लूड किए हैं तो मेरे पास दो फुटवेयर है मैं आपको पहले दिखाती हूँ क्योंकि इन्हीं सबको मैं सबके साथ प्यार करूंगी ये आपको इस तरह की फुटवेयर बाटा पे मिल जाएंगे या फिर मैंने ये पैंटालून से ली थी मैंने बाटा से भी ली हुई थी इस तरह की एक न्यूड कलर में ले लो एक ब्लैक कलर में ले लो ये पॉइंटेड टो है एंड ये थोड़ा सा राउंड है सो पॉइंटेड टो लेंगे तो और आपका बढ़िया प्रोफेशनल लुक निकल के आएगा थोड़े इलॉन्गेटेड लुक आपको मिलेगा अब आप बैग की पूछेंगे तो मेरे पास एक बैग है ब्लैक कलर का एक्सेसराइज ब्रांड का है ये आ, मुझे तो गिफ्टेड है बट ये वाला ब्रांड आपको एम्बियंस मॉल के अंदर गुड़गांव में अगर आप रहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएगा अदरवाइज आपके शहर में भी मिल जाएगा अदरवाइज़ ये ना आपको एयरपोर्ट पे भी इसके स्टोर्स होते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं काफ़ी बढ़िया है ये एंड ब्लैक कलर का और एक ब्राउन कलर का और इससे भी ज़्यादा अगर आपने लेना है तो इस तरह के एक बेज कलर का भी आप बैग ले लीजिए ये तीन बैग्स आपके ऑफिस के लिए मतलब आपका पूरा काम निकाल देंगे एंड स्ट्रक्चर्ड बैग लेना वो जो थोड़े से सॉफ्ट लेदर वाले होते हैं ना वीगन uh, लेदर भी अगर आप ले रहे हो तो सॉफ्ट वाला मत लेना नाउ सेकेंड लुक में मैंने बॉटम बिल्कुल यही सेम रखा है यही ट्राउजर्स पहनी है इसके साथ मैंने टॉप चेंज कर लिया टॉप मेरे को बहुत ही पसंद है ये वाला ये मैंने मिंत्रा से लिया था एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कार्टल लंडन मैंने स्मॉल साइज का लिया था और बेज कलर के साथ जो बॉटम है ना उसके साथ ये वाला कलर बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट करा मतलब बहुत ही सुंदर लगा ये वाला लुक एंड यस इसके साथ मैंने जो बैग लिया है हैंड बैग ये लिया है लेदर का जो थोड़ा ब्राउन कलर का है मुझे लगा इसके साथ ब्लैक की जगह ब्राउन ज्यादा बढ़िया लगता है सो so, अभी जो नेक्स्ट है मैं इसी बॉटम के साथ एक और टॉप कैरी करूंगी एंड ये है ग्रीन कलर का इस तरह का जिसके अंदर ब्लैक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है सो so, ये भी मैंने शॉपर स्टॉप से लिया था इसका ब्रांड है इंसेंस एंड ये जो सरोजनी वाला इंसेंस है वो वाला ब्रांड नहीं है ये दूसरा ब्रांड है इसके अंदर स्पेलिंग है आई एन एस ई एन एस ई वो सी ई -E है ज़्यादातर जो मैं टॉप डालती हूँ वो इसी फैब्रिक में डालती हूँ जॉर्जेट के तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास ना स्पैगेटीज़ हो तो मैं आपको जो इनर है वो भी बताऊँगी तीन कलर के आप ज़रूर अपने पास रखिए एक तो आपका ब्लैक कलर का हो गया एक वाइट कलर का हो गया एक न्यूड कलर का इसको आप स्विच भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्लैक के साथ ग्रीन कलर है ना तो बॉटम आप एक बार ऑफ वाइट डाल लीजिए और सेकेंड टाइम जो मैंने नेक्स्ट लुक फोर्थ लुक क्रिएट की है उसके अंदर मैंने ब्लैक जीन्स डाल लिए यस मैं ब्लैक जीन्स डाल लेती थी ब्लैक जीन्स ज्यादातर लोग डालते हैं बिल्कुल भी उसके अंदर डेनिम वाला आ, मतलब लुक नहीं आता नाउ नेक्स्ट लुक हम करेंगे फिफ्थ लुक फिफ्थ लुक में मैंने शर्ट लिया शर्ट भी ना मैं बिल्कुल वो जो टिपिकल फॉर्मल शर्ट है ना वैसे ही लेती तो पहले ही जैसे बताया कि मैं थोड़ा सा ना स्टाइल एलिमेंट भी ऐड करती थी मेरे आउटफिट में क्योंकि ज़्यादातर तो देखो हमें ऑफिस ही जाना होता है और वो मुझे तो बोरिंग लग जाता है बिल्कुल ही ऐसे ना बिल्कुल फॉर्मल वाला सेटअप जैसे लड़के पहन के आते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए तो मैंने अब जो शर्ट लिया ना वो भी मेरे पास है ये जॉर्जेट की शर्ट है एंड काफ़ी बढ़िया है बेज न्यूट्रल कलर्स हैं इसके अंदर सो so, इसके नीचे भी इनर वेयर की ज़रूरत है तो जो न्यूड कलर है उसका इनर इनरवेयर डालीजिए वाइट कलर का इसके साथ आई थिंक मैंने डाला है जो परफेक्टली जा रहा है एंड इसकी फुल स्लीव्स है तो स्लीव्स को थोड़ा सा फोल्ड कर लो ब्लैक कलर के क्योंकि लाइट है ना ऊपर तो नीचे इसके मैंने ब्लैक जीन्स डाली है अच्छा नेक्स्ट लुक के अंदर भी शर्ट मैंने सेम रखी है आई थिंक ये सिक्स लुक है शर्ट मैंने सेम रखी है तो इसके नीचे मैंने जीन्स ब्लैक जींस की जगह ब्लैक मैंने ये पेंसिल स्कर्ट्स पिक कर लिया है अब आप देखेंगे ये भी एच एन एम से ही मैंने ली थी एंड यस आई डोंट नो अभी तो ये अवेलेबल है कि नहीं मैंने स्टोर से ली थी सो ये स्वेड मटेरियल के अंदर है कंफर्टेबल है एंड यस ऑफिस के अंदर अगर कोई फॉर्मल गेट टुगेदर है या आपकी कोई प्रेजेंटेशन है तो आप ऑब्वियसली इसके इस तरीके से ये स्कर्ट्स वगैरह डाल के फॉर्मल लुक क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि मैंने ब्लैक कलर की मतलब बॉटम पिक किया तो इस केस में मैं ब्लैक कलर के ही शूज़ पिक करती हूँ ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे सो so, ये हो गया इसके साथ बैग ऑब्वियसली ब्लैक कलर का ही जाएगा सो so, इस तरह की शर्ट्स के साथ आप कुछ पेंडेंट्स भी डाल सकते हैं जिसके अंदर जरकोनीम हो या फिर पर्ल हो काफ़ी बढ़िया लगेंगे नाउ जो सेवन्थ लुक है उसके अंदर में मैंने बॉटम सेम रखी है और टॉप चेंज कर लिया है मैंने ब्लैक कलर का ये टॉप मिंत्रा से लिया था कुछ टाइम पहले आपके साथ शेयर भी किया था इसे कैरी कर लिया है अब आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसके अंदर आपको ऑफिस जाना है सुबह बट शाम को आपके ऑफिस की कोई पार्टी वगैरह है या आपकी पर्सनल आपने कुछ प्लान कर रखा है पार्टी है सो इसी के अप्रोप्रिएट आपको कपड़े पहन के जाने हैं तो ऑब्वियसली ब्लैक कलर तो पार्टी अप्रोप्रिएट होते हैं और साथ में ये वाला आउटफिट जो आप देख रहे हैं पूरा निकल के आया है कि ऑफिस अप्रोप्रिएट भी है इसमें कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा ब्लिंगी नहीं है बस इसकी कॉलर पर थोड़ा सा आपको यू you नो know, इस तरह के ये आ, कुछ वर्क किया हुआ है बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है ना नेक्स्ट लुक में जो मैंने बॉटम कैरी किया है वो है ये वाइट कलर की जीन्स ठीक है सो so, ये भी एच एन एम से ही है एंड यस uh, yes, बिल्कुल सेम जो मैंने आपको बेज वाली दिखाई थी वही वाइट कलर के अंदर है ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में वहाँ पे मिल जाती है अब अगेन ये लाइट कलर है सो so, ऊपर मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं डार्क कलर लेती हूँ डार्क कलर में, में मेरे पास एक एच एन एम का ही ये ब्लू कलर का जॉर्जेट का ये इस तरह से स्लीवलेस शर्ट टाइप है बटन नहीं इसके उपर -उपर है इसके अंदर ऊपर ऊपर है काफ़ी बढ़िया है मैंने एक ऑफिस में मेरा एक फॉर्मल इवेंट था उस टाइम पे मैंने टॉप को लिया था ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर है इसके नीचे ऑब्वियसली स्पैटी डालने की जरूरत है तो मैंने मेरे को ब्लैक कलर की स्पैटी मिल नहीं रही थी जो था मैंने वही डाल लिया थोड़ा सा स्लीव्स का आपको साइड में दिख भी रहा होगा बट यस उस टाइम पे मुझे लगा चलो मैं इसे एक बार स्टाइल तो कर लेती हूँ इसके ना यहाँ पर नेक के पास इस तरह का वेवी पैटर्न है काफ़ी बढ़िया लगता है इसको दो तरीके से स्टाइल कर, कर सकते हैं पूरा बटन भी बंद कर सकते हैं एंड ये कॉलर को अंदर की तरफ फोल्ड करके वी पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं जब भी मैं इस तरह के टॉप डालती हूँ तो मैं बिल्कुल बाहर निकले हुए नहीं डालती थोड़ा सा हल्का सा टक कर लेती हूँ और यूनिफॉर्मली टक करती हूँ बिल्कुल ऐसा नहीं कि कैजुअल लुक आए इसके अंदर एंड देन इसके अंदर मैंने हाई हील्स डाले जब आपको थोड़ा सा हो ना थोड़ा और यू नो फॉर्मल लुक चाहिए तो ऑब्वियसली आप हील्स वगैरह भी कैरी कर सकते हैं बट ये उस टाइम पर आपको डेफ़िनेटली नहीं करना चाहिए जब आपको बहुत इधर उधर आना जाना हो क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपको ना परेशानी हो सकती है हील्स वगैरह डालने की तो नॉर्मल डेज में डेफिनेटली फ्लैट सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। सो so, ये हो गई एट्थ लुक अब बारिश हो गई थी और इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी मैं बाहर शूट नहीं कर सकती थी तो मैं अंदर आ गई नाउ जो नाइन्थ uh, लुक है वो थोड़ी आपको फॉर्मल लगेगी क्योंकि ये मैंने इस तरह की फॉर्मल ट्राउज़र के साथ क्रिएट की है ये मैंने अमेज़ॉन से ली थी एंड uh, काफ़ी बढ़िया है ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है पीछे इसके अंदर एक्चुअली इलास्टिक है सो so, पहनने में काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लगेगी और इसके अंदर इस तरह से कोई चेन वेन भी नहीं है पॉकेट्स वगैरह दी हुई है so, सो बढ़िया फॉर्मल लुक इसके अंदर आता है थोड़ी नीचे से टेपर्ड हो जाती हैं सो so, स्मार्ट लुक इसके अंदर मिलता है इसके साथ मैंने ये टॉप पहना ये वाइट कलर का है बहुत ही बढ़िया फैब्रिक है ये एक्चुअली एक्सपोर्ट रिजेक्ट का कोई टॉप है इसका फैब्रिक आई डोंट नो क्या है मतलब जो भी है ना बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है अगर जॉर्जेट भी है ना तो बहुत ही फाइन जॉर्जेट है ये इसको भी मैंने स्पैगेटी के साथ पहना है देन इसे टक कर लिया फोल्ड कर लिया स्लीव्स को एंड काफ़ी बढ़िया फॉर्मल लुक इसका आ रहा है देन इसके नीचे आप फ्लैट डाल लीजिए अगर आप फ्लैट्स में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगते आपको लगता है थोड़ी बहुत तो हील होनी चाहिए तो आप किटन हील्स भी ले सकते हैं बहुत अच्छे ऑप्शन आपको छोटी हील के अंदर भी मिल जाएंगे सेम लुक आएगा सेम इसी तरह के फुटवेयर होते हैं बस उसके अंदर छोटी सी हील होती है सो आप वो भी कैरी कर सकते हैं तो ये हो गया नाइन्थ लुक ना और लास्ट लुक के अंदर मैंने ट्राउजर सेम रखे और थोड़ा सा कलरफुल टॉप ले लिया ये ऐसे पोल का डोट्स का एक जॉर्जेट का ही मेरे पास टॉप है इसे भी मैं अपने ऑफिस में कैरी करती थी एंड अच्छा लगता है इस तरह का थोड़ा रेट्रो वाइब आपको मिलता है आप से टक कर लीजिए सो so, स्लीव भी इसकी बढ़िया है तो काफी बढ़िया फॉर्मल लुक इसका आता है ऑब्वियसली बहुत ही जैसे मैंने आपको बताया टिपिकल फॉर्मल लुक नहीं है ये इस तरह का पोलकर डॉट वाला ऑब्वियसली उस दिन आप नहीं पहनेंगे जिस दिन आपकी कोई प्रेजेंटेशन है या किसी क्लाइंट से आपको मिलना है बट नॉर्मली जब आप डेस्क पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस तरह के लुक्स आप इजिल कैरी कर सकते हैं आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही एंड जो मेकअप के प्रोडक्ट्स मैंने आपको रिकमेंड किए हैं माई ग्लैम से वो डेफिनेटली आप ट्राई कर लेना उनके परचेजिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो so, चेकआउट करना मत भूलिएगा इसी के साथ आज की वीडियो में एंड करती हूं बहुत जल्दी आपसे मिलती हूं इन द टिल देन टेक केयर बाय बाय